तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हाई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके, तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। तो माइनक्राफ्ट की हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट। हाँ भाई, इस सीरीज तक मैंने माइनक्राफ्ट के काफ़ी वीडियो बनाए और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं ना, तो ऊपर हाई बटन को चेक करो, राइट साइड में आप सभी को प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को देखो और माइनक्राफ्ट में आज काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो उनको देखो, या फिर आप सभी की नॉलेज बढ़ेगी माइनक्राफ्ट में अगर आप माइनक्राफ्ट को प्ले करते हो वीडियो को देखने के बाद। हाँ, तो दूसरी सीरीज है भाई, दूसरी सीरीज के बारे में बता दूँ आप सभी को। दूसरी सीरीज कमांड्स ब्लॉक की, तो मैंने ब्लॉक उसमें अभी तक जोड़ा नहीं है, सिर्फ ओनली कमांड्स हैं उसमें अभी तक। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो उसमें कमांड जुड़ जाएगा, फिर बन जाएगी वो कमांड्स ब्लॉक की सीरीज। हाँ भाई, तीसरी सीरीज है स्काई ब्लॉक की, तो स्काई ब्लॉक की शायद 7-8 पार्ट आ चुके हैं अभी तक और काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है। अगर आप सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देखो वीडियो को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना यार। हाँ भाई, तो देखो मैंने ये ऐसे ही फ्लैट में जो वर्ल्ड होता है ना, वो उसको यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं, तो बस ये ऐसे नॉर्मल है। तो आज का वीडियो तो आप सभी टाइटल और थंबनेल देखा होगा भाई। तो आज हम बनाएंगे एक चिकन कुकर फार्म, जो कुकर चिकन होता है ना उसका फार्म बनाएंगे। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप एक कुकर चिकन फार्म बनाना हमें सिखा दो, तो भाई आज ये आज का वीडियो, तो उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाया, उसको आज सभी को मैं सिखाने वाला हूँ उसको किस तरह से बनाते हैं। तो देखो ये, देखो भाई ये बोनविल फार्म है ना, ये देखो ये बोनविल फार्म है यार ये वाला। तो पहले इसके बारे में बता दूँ आप सभी को ना, तो देखो ये आप सभी को मैंने जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं ना पिस्टन वाले, ये बनाना सिखा दिया आप सभी। देखो आप प्राइवेट को चेक करो, आप ये इस वाले वीडियो का लिंक मिलेगा आप सभी। देखो इस तरह से ये स्लाइडिंग डोर किस तरह से बनाया जाता है आप सभी बना सकते हो यार। हाँ, काफ़ी अच्छा ये स्लाइडिंग डोर, देखो इस तरह जैसे आप जाओगे खुल जाता है। देखो ये भाई ये क्या है, ये वो है यार जो बोनविल फार्म है ना वो ही। तो आप इसको बनाना सीख सकते हो, एक बोनविल फार्म किस तरह से बनाते हैं जो बिना स्केलेटन के, जो स्केलेटन का यूज़ करके नहीं किया गया उसमें, इस तरह का ब्लॉक जो बोनविल फार्म है ना वो किस तरह से बनता है, यही है इस वाले में। तो ये क्या है भाई? हाँ, तो ये ना ये जो कुकर चिकन फार्म है ना वो यही है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है यार। देखो ऊपर आप सभी को चिकन दिखेंगे, जैसे चिकन बड़े होंगे ना उसके अंदर आ जाएंगे कुकर होके। तो इसी को आज हम बनाने वाले हैं। देखो ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, मैंने इसको पीछे से कवर नहीं किया है। हाँ देखो पीछे से कवर नहीं किया है, तो ऐसे दिखेगा ये जब तक इसको कवर नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं इसको बनाते कैसे, थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होगी, पहले चीज़ों के बारे में बात करते हैं फिर इसको बनाते। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक चाहिए होगा, आप कोई सा ब्लॉक ले सकते हो, आपकी मर्जी यार, आपके ऊपर है, जो आपको पसंद हो वो ब्लॉक आप ले लो। उसके बाद आप सभी क्या चाहिए, उसके बाद आप सभी को चेस्ट चाहिए होगी, तो यहाँ से मैं एक चेस्ट ले लेता हूँ। इसके बाद मेरे को चाहिए एक होपर चाहिए होगा एक यार, तो यहाँ से मैं एक होपर ले लेता हूँ। तो देखो उसके बाद आप सभी को क्या चाहिए, उसके बाद आप सभी को डिस्पेंसर चाहिए, तो यहाँ से मैं एक डिस्पेंसर ले लेता हूँ। हाँ भाई देखो उसके बाद आप सभी को जो चीज़ें चाहिए होगी ना उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। शुरुआत तो करें यार इसके ना, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। देखो थोड़ा इसके दूर बना लेता हूँ, इसके पास में नहीं बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले आप सभी को एक जो चेस्ट है ना वो रखनी है, देखो इस तरह से चेस्ट रख देनी है। फिर आप सभी को होपर लेना है और इसको अटैच कर देना है यहाँ पे, करा हो चुके हैं ना, इसको अटैच कर देना। तो देखो अटैच हो गया है हमारा होपर चेस्ट के साथ, देखो इस तरह से। सबसे शुरुआत कुछ इस तरह से करनी है आप सभी को। हाँ भाई, शुरुआत होगी इसकी, अब कुछ इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हो, तो इसको कवर कर सकते हो इस तरह से। वैसे आप सभी कवर करने के लिए कोई सा ब्लॉक यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर है यार। और इसको थोड़ा बड़ा बना दो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को डिस्पेंसर लेना है और उसको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से। देखो जो मैं दिखाता हूँ, जो मतलब यहाँ पे चेस लगी है देखो कुछ इस तरह से, इसके बाद यहाँ पे होपर लगा, इसके बाद डिस्पेंसर लगाना, इसके ऊपर नहीं लगाना, इसके थोड़ा पीछे लगाना है। हाँ, अब आप सभी को लेना ये जो स्लैब्स होती है ना, स्लैब्स ले लिया, वैसे आप किसी भी ले सकते हो आपके ऊपर है, उसको आपको यहाँ पे लगाना है देखो कुछ इस तरह से। तो आप सभी को अब तक समझ में आ गया मैंने क्या बता दिया। सबसे पहले मैंने चेस रखी, उसके बाद मैंने होपर रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्पेंसर रख दिया, उसके बाद यहाँ पे एक स्लैब्स रख दी, और यहाँ पे थोड़ी बहुत ये बस ब्लॉक लगाए, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आप सभी को क्लास लेना है, और क्लास को आप सभी को इसके ऊपर रखना है, चेस के ऊपर लगाना है कुछ इस तरह से। देखो ये ग्लास की यूज़ कर रहे हैं, मतलब ग्लास है ना, तो जब हम ग्लास की यूज़ करते हैं ना तो जो हमारी चेस्ट होती है ना वो खुल जाती है। अगर हम यहाँ पे ब्लॉक का यूज़ करेंगे ना तो चेस्ट खुलती नहीं है यार। तो जैसे देखो ये बारिश कहाँ शुरू होगी, तो हम इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखो
भाई देखो चेस के ऊपर जब ग्लास लगाते हैं तो चेस खुल जाती है। हाँ इसका यही है, यही रीजन है ग्लास लगाने का। और ग्लास से एक और फायदा है, जो कुकर चिकन होती है ना वो आपसे को यहाँ पे दिखती रहेगी क्या हो रहा है अंदर, है ना। ये भी है, हाँ ये भी एक सही है, हाँ ये भी एक सही तरीका है इसका। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से होपर लगाना है और होपर को उसके बाद यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले कुछ और लगा देते हैं, होपर बाद में लगाएंगे ना। तो आप सभी इसके बाद क्या लेना है मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको लेना है ये रेड स्टोन रिपीटर ले लेना है, और इसके अलावा रेसू कंपेटर भी लेना है। इसके बाद आप सभी को लेना है ये डस्ट ले लिया, रेड स्टोन डस्ट। तो एक को आपको लगाना है इस तरह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लगाना है, इस तरफ से लगाना है। देखो मैं सबसे बता दूँ इस तरफ से, फिर आप सभी को इधर मूव करना है और एक लगाना है यहाँ पे इस तरफ से मूव करके। तो ये हुआ भाई जो रिपीटर है ना, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को डिस्पेंसर लगा देना है और उसको ना यहाँ से ऑन कर देना है। यहाँ से देखो मेरे को दिखा देता हूँ, इसको ऑन करना है। देखो हाँ भाई समझ में आ गया, तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ यार, है ना। सबसे पहले आप सभी को यहाँ से लगाना है एक डिस्पेंसर, इस तरफ से लगाना है और उसके बाद इधर से आना है और यहाँ पे सॉरी मतलब ये रिपीटर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक कंपेटर लगाना है और उसको यहाँ से ऑन कर देना है कुछ इस तरह से। तो फिर भी इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा, हाँ। और यहाँ से आप सभी को डस्ट लगा देनी है इस तरह से। तो ये नीचे गलत लग गई यार, कुछ इस तरह से, हाँ भाई। देखो एक बार मैं थोड़ा ऊपर से दिखा दूँ उसको, देखो आप सभी को दिख रहा हो किस तरह से लग रही है डस्ट। तो बस ये यहाँ तक हमारा काम अब पूरा हो चुका। अब आप सभी को ये होपर लेना है, इसके बाद यहाँ पे एक होपर लगाना है। देखो यहाँ पे इसके बाद एक होपर इस यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन होपर कुछ इस तरह से लगाना है। तो बिल्कुल ईजी है यार, इसमें क्या है। तो देखो कुछ इस तरह से लगाना है, हाँ सही है। उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हो यहाँ से, देखो कुछ इस तरह से। तो इतना बड़ा तो कोई करने की ज़रूरत है नहीं इसको, तो यहाँ तक तो कर सकते हो यार इसको यहाँ तक। तो उसके बाद यहाँ पे आप ग्लास लगा सकते हो फिर से, ताकि जो अंदर हो रहा है ना आपको दिखता है, देखो इस तरह से आगे से। तो काफ़ी हद तक बस ये तैयार हो गया है हमारा। उसको आप ना फिर से यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक तो आपने कहीं और भी सुना होगा बनाना हो यहाँ इस तरह से ना, लेकिन अब हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे इसमें। तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, आप सभी कुछ एक्स्ट्रा करोगे नहीं, यहाँ तक ये ऑटोमेटिक है नहीं, आपको कुछ वर्क करना होता है इसमें। लेकिन जो मैं आगे बता रहा हूँ फिर वो ऑटोमेटिक आप सभी के लिए बन जाएगा, आप उसका यूज़ करोगे फिर वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो एक बार मैं इसको यहाँ से भी बंद कर देता हूँ, कुछ यहाँ से एक में लगा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं अभी बंद कर नहीं रहा इसको इधर से अंदर से, क्योंकि इसको मैं बाद में बंद करूँगा, अभी नहीं करूँगा। हाँ तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, उसके बाद यहाँ से नीचे आना है और सॉरी इसके ऊपर, हाँ यहाँ पे आ गया। फिर आप सभी को यहाँ पे एक होपर लगा देना है कुछ इस तरह से, और एक इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। तो ये सही है ना। फिर मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ बड़ा इसको ना, तो इसको थोड़ा चौड़ा करना है आप सभी को, यहाँ से दो तीन ब्लॉक ऐड कर सकते हो यहाँ से आप, है ना। तो इतना बड़ा तो क्या करें, इसको रहने देते हैं ना, तो यहाँ तक कर लेते हैं। तो इसको हटा देता हूँ, हाँ काफ़ी बड़ा है ना। कितने ब्लॉक लिए मैंने, दो ले लिए उस तरफ, इधर भी दो ले लेता हूँ यार। तो दो इधर ले लेता हूँ और हाँ अब सही हो गया। देख एक बार देखना, तो इधर एक और लगा देता हूँ ना, फिर पूरी तरह से ये सही हो जाएगा यार कुछ इस तरह से, है ना। तो एक बार देख लेते यार, ऊपर से देख लेता हूँ मैं एक बार किस तरह का दिखेगा, हाँ सही है। उसके बाद फिर से आपको होपर लेना है ना, और होपर इसका अटैच करते जाना है इस तरह से कुछ इस तरह से। तो एक एक होपर आप सभी को यहाँ पे अटैच करते जाना है। तो देखो कुछ इस तरह से पूरी को आप सभी को अटैच करना है, जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं बनेगी। तो एक और लगा देता हूँ इस तरफ से ना, तो इसको फिर से क्रॉस हो लेता हूँ। आप सोच रहे हो भाई ये क्या कर रहा है तू, तो अभी पता चल जाएगा आप सभी को मैं क्या कर रहा हूँ यार। फिर आप सभी को इधर आना, बड़ा करना है इसको और इसको ऊपर से थोड़ा बहुत बड़ा कर देना है। फिर मैं दिखाता हूँ इसका क्या यूज है और इसको किस तरह से ये वर्क करेगा ना। तो वैसे तो मैं एक बार देख लेता हूँ ना, इसको मैं एक बार हटाता हूँ यार, और यहाँ पे एक चीज़ डालनी है, वो तो मैं भूल ही गया यार।
उसके बिना तो काम नहीं होगा। ये देखो आपको यहाँ पे लावा डालना है ना, वो तो मैं भूल गया था यार, कुछ इस तरह से। हाँ तो ये देखो यार, ये थोड़ा ऊपर डल गया ना, तो ये थोड़ा आगे चला गया। ऊपर नहीं डालना आप सभी को, थोड़ा इसके नीचे डालना है यहाँ पे आपसे। ये देखो आपसे ये पूरी तरह से। अब उसके बाद इसको फिर से बड़ा करते जाओ, थोड़ा एक ब्लॉक ज़्यादा बड़ा हो गया। तो बस बनने वाला है ना ये बस। तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, नहीं तो ये वहाँ तक था ना जैसे लावा डालो और फिर ये बस बन के तैयार हो गया। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है दिखाया तो आप सभी सबको। मान लो आप यहाँ पे चिकन रहेगी आप सभी का ना, तो आपकी चिकन जैसे एक देगी, तो एक को रख लेता हूँ, जैसे वो एक यहाँ पे गिरेगा तो कुछ इस तरह से चला जाएगा वो। आप देखना वो कहाँ पे आएगा, तो कुछ डिस्पेंसर से होता हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो भाई देखो, एक चिकन आ गई ना आप सभी को, दिख रही है छोटी सी चिकन। हाँ भाई यही तो है। आप सभी यहाँ पे एक और काम कर सकते हो ना, एक यहाँ पे एक रिपीट रोल लगा सकते हो कुछ इस तरह से ही है, और यहाँ से एक ब्लॉक को हटा सकते हो, और यहाँ पे कुछ आप लीवर लगा सकते हो ताकि आप उसको हैंडल कर सको ना इस तरह से। एक यहाँ पे आप लीवर लगा लाना है, देखो इस तरह से, फिर जो आपने इसको हैंडल कर सको। देखो ये जल गया ना, आप सभी इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे ये लीवर लगाओगे ना तो देखो ये बंद हो गया फिर से। देखो बस सही है भाई सही है। तो कितना बन गया, हाँ देखो बन गया बस ये। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं अलग से ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको बस ऊपर से पैक कर दूँ, फिर ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा यार। तो हाँ इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, और फिर इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ एक। तो बस ये बस बन गया भाई। तो इसको एक बार फिर से मैं इधर आके इसको फिर से भर देता हूँ, तो ये पीछे दूर से कुछ ऐसा दिखेगा आप जी को देखना, तो कुछ अजीब सा दिखेगा। हाँ तो देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप ना यहाँ पे भी ग्लास ऐड कर सकते हो यार, यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ से ग्लास ऐड कर सकते हो ताकि इसकी खूबसूरती बड़ी बड़ी रहे और दिखने में काफ़ी अच्छा लगे यार। देखो बस ये देखो, यहाँ से आप ग्लास ऐड कर सकते हो, तो एक छोटा सा घर एक ऊपर बड़ा घर, हाँ ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको फिर से ओपन करता हूँ मैं, और देखो यहाँ पे मैं अब डालने वाला हूँ चिकन, डालने वाला हूँ यहाँ से अब। तो अब डालता हूँ चिकन है ना, तो आप सभी को यहाँ से आप चिकन एग ले सकते हो। देखो यहाँ से चिकन ही होता है सबसे पहले, तो अब देखो यहाँ से चिकन डालते हैं, तो बहुत सारे डालूंगा मैं ताकि अंडे दे। तो अंडे देंगे ना तो फिर वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा अंडा, इस तरह से मैंने इसको ऑटोमेटिक बनाने की कुछ कोशिश की है। तो आप सोच रहे हैं नीचे क्यों बैठगी सारी एक जगह जाके इसको उठाओ, देखो किस तरह से अलग हो जाती है। तो जैसे ही अंडे देगी फिर वो नीचे चला जाएगा अंडा। तो आप जितनी चाहो उतनी चिकन रख सकते हो, वो आपके ऊपर है यार। तो देखो कितनी होगी, अब काफ़ी हो गया यार। तो हाँ भाई यही है। अब देखो मैं थोड़े बहुत इसको किस तरह से वो करते हैं दिखा देता हूँ। तो एक वालों जैसे चिकन एक देगी ना तो वो एक जाएगा यहाँ पे, देखो जैसे एक देगी वो कम हो गया देखो। तो मैं इसको फिर से बाहर निकलता हूँ और फिर इसको पैक कर देता हूँ, फिर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो उसी ब्लॉक से पैक करता हूँ जिससे बनाए यार, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से मैं एक स्वाड ले लेता हूँ ताकि कोई ब्लॉक टूटे ना यार। तो देखो यहाँ से चिकन दिख रही होगी आप सभी को, तो जैसे चिकन बड़ी होगी ना वो लावा में जाएगी, वो लावा में जाके फिर वो कुकेड होके आप सभी को यहाँ पे मिलेगी इस वाली चेस्ट में। तो कुछ समझे आप इसको किस तरह से काम करेगा। तो देखो यहाँ से चिकन है ना एक देगी तो एक फिर हॉपर में जाएगी, हॉपर की सहायता से एक इस वाले डिस्पेंसर में जाएगी। देखो यहाँ से इस वाले डिस्पेंसर में, तो यहाँ से मैं एक रखे दिखाता हूँ आप सभी को ना। तो देखो फिर से मैं एक लेता हूँ, लावा ब्लॉक की जगह ले लेता हूँ, तो डिस्पेंसर को ओपन को यहाँ पे एक रखो कुछ इस तरह से। आप देखो जैसे जैसे ये काम होगा ना फूटता जाएगा और यहाँ पे चिकन आती जाएगी। देखो आप सभी को चिकन दिख रहे हैं ना, वैसे बढ़ती जाएगी, जैसे चिकन बड़ी होगी वो लावा में जाएगी, लावा से जल जाएगी और फिर वो इस वाली चेस में आ जाएगी। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा कुकेड। अब इसको थोड़ा बहुत कवर कर दे फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको कवर भी कर ही देते यार, अब ना इतना बना दिया तो यार।
तो इसको यहाँ से अभी कहाँ पे लगा दिया, एक ब्लॉक मैंने, हाँ आपसे ये देखो यहाँ से एक एक ब्लॉक में इसको ऐड करता जाऊँगा। इसको यहाँ से थोड़ा इसको ऑन कर लूँ तो बस ये बन के तैयार है। तो इसको भी बंद कर देते यहाँ से यार, ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा बंद करने के बाद, ताकि कोई अंदर से दिखता नहीं रहे यार। तो ना तो ये को इसको मैं फिर से तो लग जाए यार, क्या कर रहा है। हाँ भाई तो मैंने एक चीज़ बताना आपसे, को भूल गया ना, तो आप मेरे को फेसबुक पेज पे फॉलो कर लो यार, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ, तो हम वहाँ पे भी जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे ना। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप फेसबुक पे मुझको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे ना, तो रेसिंग रफ्तार नाम से आप सर्च भी कर सकते हो फेसबुक पे जाके, आप सभी को मेरा पेज मिल जाएगा, है ना। तो देखो बस ये बन के तैयार है, देखो आप सभी यहाँ पे चिकन दिख रही है, देखो चिकन बड़ी होगी ना, मतलब बड़ी वाली चिकन बन जाएगी, तो वो यहाँ पे आएगी और जैसे कुकड़ होगी वो इस वाले चेस में आ जाएगी। तो ये मस्त काम करता है, देखो मैंने बनाना सिखा दिया आप सभी को। तो इसको मैं बंद करता हूँ, फिर देखते हैं शाम मतलब दिन में दिखेगा कैसा। तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा आप सभी को दिन में, काफ़ी मस्त है, काफ़ी मस्त काम करता है, इसको बनाना ज़रूर है यार। तो एक लीवर भी मैंने लगाना सिखा दिया आप सबको, यहाँ से आप इसको जो है ना हैंडल कर सकते हो इस वाले लीवर की मदद से। तो उसे बन के तैयार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही है आज का वीडियो, तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया इसको ना, तो नए आए तो सब्सक्राइब कर, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया भी तो आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, तो मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों यार।